नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आशीष और आप देख रहे हैं मुस्लिम न्यूज़। दोस्तों, आज हम अनबॉक्स करने जा रहे हैं इंफ्रारेड थर्मामीटर, जो कि है ये। और इसको अनबॉक्स करने का मेरा सबसे बड़ा रीज़न जो ये है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि कल मेरे भाई को फीवर आया और मैंने उसका फीवर चेक किया इस वाले थर्मामीटर से, जो ये ओल्ड वाले पहले चलते थे। इसमें उसका फीवर आया 101, और उसके बाद मैं डॉक्टर के पास गया। विद इन 10 मिनट्स में हम वहाँ पहुँच गए और उसने डॉक्टर के यहाँ पे इसके थ्रू फीवर चेक कर रहे थे, और इसके थ्रू जब उन्होंने फीवर चेक किया तो वहाँ पे 98.2 डिग्री आया, 98.2। तो मुझे समझ नहीं आया कि ये 2 डिग्री का फ़र्क कैसे पड़ गया, जबकि उसका शरीर काफ़ी गर्म था अभी भी। मुझे तो 101 ही लग रहा था उसका फीवर तब भी। तो मुझे ये लगा कि मुझे इसको और इसको मिला के और टेस्ट करना चाहिए कि क्या ये देखें कि क्या ये वाकई एक्यूरेट रीडिंग दे रहा है, क्योंकि मेरे हिसाब से तो ये बिल्कुल एक्यूरेट रीडिंग नहीं दे रहा है। तो क्योंकि मेरे ब्रदर को फीवर है, तो मैंने सोचा है कि मैं इससे उसका फीवर टेस्ट करूंगा, उसके बाद तुरंत बाद मैं इससे उसका फीवर टेस्ट करूंगा और हम देखेंगे कि क्या डिफरेंस आ रहा है या कि ये एक्यूरेट फीवर उसमें दिखा रहा है। तो सबसे पहले इसकी हम अनबॉक्सिंग करेंगे और फिर हम इन दोनों से टेस्टिंग करेंगे, पहले इससे और फिर इससे, और देखेंगे कि फीवर कितना इसमें एक्यूरेट दिखा रहा है। तो चलिए सीधे चलते हैं इसकी अनबॉक्सिंग पे और उसके बाद करेंगे इसकी टेस्टिंग। तो दोस्तों, ये है बॉक्स इस इंफ्रारेड थर्मामीटर का, और सामने की तरफ आप देख सकते हैं इसकी एक पिक्चर है। ये इसी के जैसा ये पीस दिखेगा अंदर, और यहाँ ऊपर आप देख सकते हैं इसका ब्रांड नेम दिया हुआ है, कैटल कनेक्टिंग द फ्यूचर। और यहाँ पे बताया गया है ये नॉन कॉन्टैक्ट इंफ्रारेड थर्मामीटर है। और नीचे की साइड देखेंगे तो यहाँ पे हाई एक्यूरेसी इसमें बता रहे हैं कि ये दिखाएगा, और ऊपर देखें तो ब्रांड नेम। और यहाँ दोस्तों देखने को मिलते हैं इसके स्पेसिफिकेशंस, और स्पेसिफिकेशंस में काफ़ी चीज़ें हैं। जो मेन है वो मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें ट्रिपल ए बैटरीज लगेंगी 2, और LCD बैकलाइट है इसमें, और टेम्परेचर इसमें 2 तरीके से आप चेक कर सकते हो, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट। तो वैसे फ़ारेनहाइट चलता है तो फ़ारेनहाइट पे ही चेक करना चाहिए मेरे हिसाब से। और ऑटो टर्न ऑफ है ये, साइज़ वेट सब इसका दिया हुआ है। और इसमें देखिए, इसमें लिखा भी हुआ है कि ये इसमें थर्मामीटर इस पैकेट में और बैटरीज इंक्लूडेड हैं, और मैनुअल है, यूज़र मैनुअल, और एक सर्टिफिकेट दिया हुआ है। और नीचे यहाँ पे देखेंगे ये सेल्सियस के हिसाब से इन्होंने बता रखा है कि किस किस तरीके से कैसे कैसे आपको डिटेक्ट करना है कि सीरियस टेम्परेचर है या नहीं। और फोरहेड टेम्परेचर इतना, ईयर का इतना, हर जगह जो टेस्ट करना है उसका अलग अलग इन्होंने पूरा स्पेसिफिकेशन दे के रखा हुआ है कि इतना किस तरीके से आप चेक कर सकते हैं। और इस साइड भी देखें तो यहाँ पे ये सेम पिक्चर है। इस साइड अगर देखें तो यहाँ पे प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि इस तरफ प्रोडक्ट में LCD स्क्रीन है जहाँ पे आपको टेम्परेचर ये शो करेगा। सामने की साइड में ये सेंसर लगा हुआ है जिसके थ्रू ये टेम्परेचर को डिटेक्ट करेगा। और यहाँ साइड में 3 बटन दिए गए हैं जिसके थ्रू आप सेटिंग्स को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे ये स्विच दिया हुआ है जिसको दबा के आप फोरहेड के सामने इसको रख के और टेम्परेचर ले सकते हैं। नीचे की साइड यहाँ पे बैटरी कवर है जहाँ पे आप 2 सेल यहाँ पे डलेंगे, बैटरीज डलेंगी, और उसके बाद ये ऑन होगा। और यहाँ पे आप देख सकते हो इसमें बताया गया कि इसमें फीचर्स क्या क्या हैं। हाई एक्यूरेसी सेंसर इसमें है, ये फोरहेड टाइप है, बैक कलर 3 लाइट हैं इसमें। अगर टेम्परेचर हाई आता है तो ये अलार्म भी इसमें बजेगा, और मेमोरी रीडिंग डेटा इसमें है, और आप ऑब्जेक्ट्स का भी टेम्परेचर इसे चेक कर सकते हो। ये मेड इन चाइनीज प्रोडक्ट है, और बाकी तो इसमें कुछ खास है नहीं दोस्तों। तो चलिए सीधे इसको ओपन करते हैं और देखते हैं कि ये वर्क कैसे करता है। तो दोस्तों, ये है इंफ्रारेड थर्मामीटर, और इसमें जैसा कि मैंने पैकेट में लिखा था, मैं आपको बता दूं कि ये जो 3 बटन है, इसे देखिए, इसमें लिखा भी हुआ है कि यहाँ पे ये सेट वाला बटन है। अगर आपको कोई भी इसकी सेटिंग चेंज करनी है तो पहले इसको प्रेस करेंगे, उसके बाद ये अप एंड डाउन वालों को अप एंड डाउन करके इसकी सेटिंग जो है आप चेंज कर सकते हो। ये यहाँ पे साउंड का बना हुआ है, और सामने की तरफ देखें तो यहाँ ये सेंसर लगा हुआ है, और इसमें यहाँ पे ये स्विच है जिसको आप प्रेस करोगे और इसको फोरहेड के सामने रखोगे तो टेम्परेचर जो है वो आपको ये LCD स्क्रीन पे यहाँ पे दिखा देगा। तो मैं इसको प्रेस करता हूँ अभी, और ये देखिए ये ऑन हो गया।
अब इसमें देखिए दोस्तों तीन चार चीज़ें दिखा रहा है इसमें। यहाँ पे आप देखो ऊपर तो ये फेस बना हुआ है, इसका मतलब कि ये ह्यूमन टेम्परेचर चेक करने की सेटिंग में है। और यहाँ पे ये फ़ारेनहाइट है तो ये फ़ारेनहाइट में ऑब्वियसली दिया हुआ है। और ये यहाँ पे टेम्परेचर दिखा रहा है, नीचे वॉल्यूम का ये बटन दिखा रहा है। तो अगर आपको इसको चेंज करना है तो आपको यहाँ पे ये सेट बटन को प्रेस करना पड़ेगा यहाँ पे एक बार। और ये देखिए यहाँ पे ये एक बार प्रेस किया तो ये रूम टेम्परेचर सेट करने की सेटिंग में आ गया। और इसको अगर हम प्रेस करके और खड़े हो जाएं तो यहाँ पे ये देखिए F1 आ गया। F1 में आप जो है इसका जो ये जो सेटिंग है होम रूम टेम्परेचर की या ह्यूमन टेम्परेचर चेक करने की, इसको आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। उसके बाद फिर से अगर आप इसको प्रेस करेंगे तो F2 में आप फिर इसको बगल वाले को इसको प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वॉल्यूम आपको चाहिए कि नहीं चाहिए वो सेटिंग इसमें है। इसको प्रेस करेंगे तो ये सेटिंग वॉल्यूम आ गई, और ये दोबारा प्रेस किया तो वॉल्यूम चला गया। तो ये F2 की सेटिंग है। उसके बाद F3 जब आप करेंगे तो इससे आप सेटिंग कर सकते हैं। ये देखिए फ़ारेनहाइट या सेंटीग्रेड को आप चेंज कर सकते हो इससे। ये देखिए प्रेस करके इसे आप चेंज कर सकते हो। तो फ़िलहाल हम इसको फ़ारेनहाइट पे रखते हैं और इसको ह्यूमन टेम्परेचर के रख के और इसको हम टेस्ट करके देखते हैं पहले। और नीचे की साइड यहाँ मैं बता दूँ दोस्तों, ये जो बैटरी कंपार्टमेंट यहाँ पे बना हुआ है, ये दो AAA साइज़ बैटरी इसमें लगी हुई हैं। तो ये लगने के बाद ही ये वर्क करेगा। और अब हम इसको टेस्ट करके देखते हैं कि क्या ये एक्यूरेट रीडिंग दे रहा है या नहीं। तो दोस्तों ये जो थर्मामीटर है इसमें आप जो ये सिल्वर लाइन देख रहे हो ये 100 पे आपको दिखा रहा है। इसका मतलब ये टेम्परेचर है इसमें फिलहाल 100 पे है। तो हम इस टेम्परेचर को हम डाउन कर लेंगे पहले 0 पे। तो डाउन कर दें हम इसको और यहाँ पे देखिए सिल्वर लाइन जो है ये कम हो गई है, लेकिन अभी 0 नहीं है। तो हम इसको फिर डाउन कर दें, अब पूरा हम इसको 0 पे टेम्परेचर कर देंगे। और 0 पे होने के बाद हम इसको टेम्परेचर को चेक करेंगे। तो चलिए हम इसको इसका जो टेम्परेचर है वो चेक कर लेते हैं, जो फीवर है वो इससे अब टेस्ट करते हैं। तो दोस्तों अब ये हो गया है और इसका टेम्परेचर अब देखते हैं कि कितना दिखा रहा है इसमें। और इसका जो टेम्परेचर है वो फिलहाल इसमें दिखा रहा है, इसको सीधा कर लेते हैं। टेम्परेचर ये देखिए दोस्तों 101 ये टेम्परेचर दिखा रहा है, जो सिल्वर लाइन आप देख रहे हो ये टेम्परेचर शो कर दिया। तो 101 से थोड़ा सा ये ज़्यादा है, 101 टेम्परेचर इसमें ये दिखा रहा है, फीवर जो है वो 101 है। और अब दोस्तों हम इस इंफ्रारेड थर्मामीटर से हम चेक करेंगे टेम्परेचर कितना आ रहा है। तो चलिए इसको सीधे टेस्ट करते हैं कि इसका इससे टेम्परेचर जो है वो कितना आ रहा है। दोस्तों जैसे देख सकते हो इसका टेम्परेचर आ रहा है 98.2, और जो पहला हमने जिसे किया था उससे आ रहा था 101। एक बार फिर से इसे ट्राई करते हैं और देखते हैं कितना आ रहा है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों फिर से 98.7 दिखा रहा है और उस वाले में 101 टेम्परेचर दिखा रहा था। तो दोस्तों जैसे कि आपने देखा हमने इसको टेस्ट किया और टेम्परेचर जो है वो लगभग 2 डिग्री का फर्क आ रहा था। जो हमारा जो पुराना हम लोग का जो थर्मामीटर चलता था, जो कि ये था वाला थर्मामीटर है, इससे जो है फीवर आ रहा था 101, और इस वाले से जो हमने टेस्ट किया तो फीवर आ रहा था 98.2 या 98.7। तो मुझे समझ नहीं आ रहा है, मैक्सिमम हॉस्पिटल्स में और मैक्सिमम डॉक्टर्स के पास यही यूज़ हो रहा है, क्योंकि कोविड की वजह से हम ये जो जिसको हम मुंह में डाल के और चेक करते थे फीवर, वो हम कर नहीं पा रहे हैं बिकॉज ऑफ द वायरस, की कहीं से वायरस ना किसी और के में चला जाए। और मजबूरी है कि इससे टेस्ट हो रहा है, लेकिन मैक्सिमम जगह पे चाइनीज़ प्रोडक्ट ही यूज़ हो रहे हैं। और इससे आपने जैसा कि देखा 2 डिग्री का आराम से फ़र्क आ रहा है, 2 डिग्री कम दिखा रहा है। पता नहीं मुझे किसी ने टेस्ट किया है कि नहीं किया है, डॉक्टर्स ने ट्राई किया है कि नहीं किया है, पर मेरे हिसाब से ये प्रोडक्ट बिल्कुल बेकार है, इससे टेस्ट नहीं करना चाहिए। या अगर आपके पास है तो जो भी आपकी रीडिंग आ रही है आप समझ लो कि उससे 2 डिग्री ज़्यादा फीवर है, ये आप मान के चलो। या फिर आप एक बार
टेस्ट कर लो, पुराने वाले से भी टेस्ट कर लो और नया वाला अगर आपने दिया हुआ है तो इससे भी आप टेस्ट करके देख लीजिए कि क्या एक्यूरेसी दिखा रहा है। अगर दिखा रहा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं दिखा रहा है तो आप ये समझ के चलो कि ये प्रोडक्ट जो है वो सही नहीं है। जो पुराना वाला हमारा थर्मामीटर था वो ही सबसे बेस्ट है। अगर आप लोग यूज़ करना चाहते हो, डर है वायरस फैलने का, तो इतना सस्ता है वो कि आप एक भी हर एक फैमिली मेंबर के लिए अलग अलग आप रख सकते हो। ये समझिए आप, ये 1000 रुपये से स्टार्ट है अमेज़ोन पे, 1000 रुपये से लेके 2000-3000 तक भी ये है। और जो पुराना वाला हमारा थर्मामीटर है वो लगभग लगभग 40 का है और उसमें भी अपडेटेड वर्जन आता है डिजिटल वाला, वो 100 रुपये का या 150 रुपये का आपको मिलेगा, किसी भी मेडिकल स्टोर मिल सकता है। तो मेरे हिसाब से आप वो हर फैमिली मेम्बर के लिए एक अलग अलग पुराने वाले थर्मोमीटर यूज़ करें, क्योंकि ये थर्मोमीटर मेरे हिसाब से सही नहीं है। जिस डॉक्टर के पास मैं गया था वहाँ पे भी फीवर सही नहीं आ रहा था, और प्लस ये मैंने परचेज़ किया है इससे भी फीवर जो है एक्यूरेट नहीं आ रहा है, 2 डिग्री कम आ रहा है। तो ये मेरे हिसाब से तो बिल्कुल बेकार प्रोडक्ट है, आपको परचेज़ नहीं करना चाहिए और मैं तो कभी सलाह नहीं दूंगा इसको परचेज़ करने की, और ना ही मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसके परचेज़ का लिंक दूंगा, क्योंकि मेरे हिसाब से आपको ये प्रोडक्ट परचेज़ नहीं करना चाहिए। बहुत बिल्कुल बेकार है, बिल्कुल वेस्ट ऑफ मनी है, और प्लस आपकी सेहत के साथ भी ये खिलवाड़ कर रहा है। इससे अगर आप फीवर टेस्ट करते हो और फीवर कम दिखता है तो आपको लगेगा कि फीवर नहीं है, बट ऐसा नहीं है, फीवर 2 डिग्री ऊपर आ रहा है इससे जो मैंने टेस्ट किया। तो मेरे हिसाब से आपको इस प्रोडक्ट को यूज़ नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आज का ये वीडियो आपको पसंद आया हो, हेल्पफुल लगा हो, तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। अगर आप लोगों के पास भी ये प्रोडक्ट है तो क्या वो एक्यूरेट है या नहीं, प्लीज़ उसको चेक कर लीजिएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, थैंक यू। जल्दी मिलता है एक नया इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक यू।